ने सोचा कि तुलसीदास जी रामायण का प्रारंभ राम नाम से करेंगे। किसी ने सोचा कृष्ण नाम से करेंगे। किसी ने सोचा कि माता शक्ति स्वरूपा है जानकी जी, उनके नाम से करेंगे। किसी ने सोचा दुर्गा नाम से होगा। लेकिन तुलसीदास जी ने न राम नाम से किया, न कृष्ण नाम से किया, शिव शब्द से भी नहीं किया, किसी नाम से नहीं किया। शुभारंभ किया परड़ से, रामायण जी का आरंभ है परड़ से, और रामायण जी की पुरड़ में मानव का नाम लिया। ते संसार पतंग घोर गिरड़ई दहयंती नो मानवा। आरंभ है बरड़ से और समापन होता है मानव पे। मानव से इसका मतलब यह है कि सबके दंभ होने के भय से और दंभ मुक्त करने के लिए ऐसा उन्होंने किया, बरड़ और मानव का नाम लिया। और यह भी बताया कि ये केवल किसी एक का ग्रंथ नहीं है, ये तो सब बरड़ों के लिए है, सभी मानव मात्र के लिए है, ये किसी जाति विशेष का नहीं है। ये सब ही सुलभ शब्दिन शब्देशम। रामायण सबके लिए सुलभ है, सब दिन में कही जा सकती है और पूरे विश्व में कही जा सकती है। बोलो जय श्री राम। रामायण जी का प्रारंभ सात मंत्रों से है, क्योंकि सप्ताह में सात दिन होते हैं और सातों के लिए, सातों दिन के लिए एक एक मंत्र है। हमारे अंदर सात ग्रंथियां हैं, इसलिए सातों को पवित्र बनाने के लिए सात मंत्र कही। पहले श्लोक में वर्ण अर्थ नाम के समूह का प्रवर्धन करने वाली, रसों और छंदों को प्रवर्धित करने वाली, अमंगल को भी मंगल करने वाले इन दोनों सरस्वती माता और गणेश जी महाराज को हम लोग प्रणाम करते हैं।